बहुत ही विकास बढ़ेगा ही, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, नेशनल भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ देख रहे हैं। और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने तो इतने एफर्ट्स करे हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारा UPSIDC ने अपने सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन करी हुई हैं, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं, GIS सिस्टम से आप एक एक प्लॉट का डिटेल देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए कहीं पर लैंड वो लैंड आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। और हर तरह की पॉलिसीज़ आ गई हैं नई नई, जो हम लोग ने जैसे डिफेंस सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में, जो पहले नहीं होती थी। तो इन सब चीज़ों से लोग अब पता चल रहा है इन्वेस्टर समिट में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हम लोग के किए हुए एफर्ट्स को सराहा भी रहे हैं। देश विदेश से तमाम निवेशक आए हैं और अपनी रुचियों के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर निवेश की संभावनाएँ तलाश हैं। इससे आपको क्या लगता है, इसमें रोजगार को लेकर कितनी संभावनाएँ हैं? देखिए, यूपी का जो आदमी है वो हर स्टेट में आप पाते हैं, क्योंकि यहाँ के आदमी में एफिशिएंसी तो है, नॉलेज है, सब कुछ है। अब जब यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा इन कंपनीज़ के आने से यूपी में, तो रोज़गार तो जो बाहर जा रहा था वो भी रुकेगा और नए रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी बनेंगे। कॉर्पोरेट्स की तरफ से एक सबसे बड़ी समस्या सामने रखी जाती है स्किल डेवलपमेंट, जो ट्रेंड स्किल डेवलपमेंट है, लेबर की समस्या है, ट्रेंड लेबर की समस्या है, तो उसको लेकर के जो सरकारी विभाग हैं उनकी तरफ से किस तरह की पहल की जा रही है अपने स्तर से? प्रधानमंत्री जी की जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है वो तो यहाँ हर जगह यूज़ करी जा रही है। अभी एक सेशन भी था स्किल डेवलपमेंट पे, उससे हम लोग डिपेंड इंडस्ट्री के डिमांड के डिपेंडेंट हम अपने स्किल डेवलपमेंट योजना में कोर्सेज रखते ही हैं। और स्किल डेवलपमेंट यहाँ का जो युवा है वो तो वैसे ही इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब चीज़ों में वैसे भी यहाँ पर पहले भी बहुत सुविधा है, और स्किल डेवलपमेंट से तो और बढ़ ही रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट का तो कोई यहाँ स्किल लेबर और सेमी स्किल लेबर की तो कभी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो पर्याप्त है, पर्याप्त है।